नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान को चीन एक बार फिर 1.3 अरब डॉलर का कर्ज दे रहा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री शक डार ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। डार ने कहा, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ने ये लोन अप्रूव किया है, जिससे पाकिस्तान को अपने घटते विदेशी मुद्रा भंडार को फिर से बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये पैसे 3 किश्तों में दिए जाएंगे। इसमें से 0.5 अरब डॉलर की पहली किश्त पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में आ चुकी है। डार ने कहा, हम न कभी कंगाल हुए हैं और न होंगे। हमने चीन का कर्ज चुकाने के उन्हें 1.3 अरब डॉलर लौटाए थे। चीन हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये पैसे हमें वापस दे रहा है। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में सिर्फ 3 हफ्ते के इम्पोर्ट के लिए ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। इससे पहले भी चीन विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए हमें 0.7 अरब डॉलर का कर्ज दे चुका है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।